हेलो गाइस, तो फिर से आज एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज व्लॉग वीडियो नहीं, आज मैं ये इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। बोया M1 का माइक और सेल्फी स्टिक जो मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था, ये सब का मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो देखते रहेगा वीडियो को लास्ट तक। अगर ये बोया का माइक जो आप मीशो से परचेज करोगे तो सिर्फ इसका 375 रुपीज़ है इसका प्राइस। तो पैकेज पर भी बोया M1 बोल के दिखा रहे हैं, तो आप भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसका अंदर खोल के देखते देखिए, ऊपर भी बोया M1 लिखा हुआ है, ये नीचे पर भी बाय M1 लिखा हुआ है और साइड पे भी लिखा हुआ है ये बाय M1 बोल के। और ये साइड पे ये माइक का डिटेल्स सब दिया हुआ है, MRP क्या क्या, और 6 मीटर है इसका, 80 मीटर है, 6 मीटर है जो काफ़ी लंबा है। ये खुला हुआ नहीं, पहले से खोल के देख लिया था इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो इसके अंदर ये पैकेट का अंदर ये लेदर का एक छोटा सा पैक दिया हुआ है जो आप कहीं भी जाओ तो आप ये माइक को कैरी करने के लिए। तो अंदर मिलता है आपको माइक जो होता है वो, और ये उसका सामान फिटिंग करने के लिए। ये सबसे पहले ये आपको माइक ये दिखा देता हूँ, जो वायर इसका काफ़ी लंबा है। कैमरे या मोबाइल को आप दूर से ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो दूर में रखे। और यहाँ पे आपको इसको खोल के इसका अंदर बैटरी डालना पड़ता है। जब भी आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करोगे तो इसके अंदर बैटरी डालना पड़ेगा, और स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करोगे तो ज़रूरत नहीं है बैटरी डालने के लिए। और ये इसका पिन दिया हुआ है मोबाइल पे डाल के रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इसके अंदर मैं बैटरी डाल के दिखाऊंगा आपको, इसके अंदर है बैटरी इसका। तो खोलते हैं इसे, क्या क्या है इसके अंदर। तो ये रहा उसका बैटरी, देखिए आप। तो इसे निकाल कर आपको यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा इसको खोल के। ये बैटरी इस तरफ ऐसे डालता है, ये ऐसे, और इसको बंद कर देना है डालने के बाद। और ये दिया है, ये कॉटन जैसा दिया हुआ है आपको इसको, ये यहाँ पे ये माइक पे फिटिंग करना है आपको। ये रुई जैसा दिया हुआ है आपको, इसको यहाँ पे फिटिंग करना है। जब आप कहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो वहाँ बहुत सारा हवा चल रहा है, या आप ट्रैवलिंग करने का समय रिकॉर्डिंग कर रही हो तो आपको इसको लगाना ज़रूरी है। तो हवा सवा वो सबका साउंड को प्रोटेक्ट करता है, नहीं आएगा हवा सवा वो सबका साउंड जो इसको लगाने का बात। और ये है उसका क्लिप, यहाँ पे फिटिंग करना है इसको। तो इसको तरह दबा के फिटिंग हो जाता है, और इसको ये क्लिप जैसा है इसको आप कॉलर पर लगा सकते हो। उसके बाद आप जो बोलोगे वो बढ़िया से रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपको ये हाथ से पकड़ के रिकॉर्डिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस इसको ये क्लिप को लगा दीजिए नहीं कॉलर पे। तो हो गया माइक का अनबॉक्सिंग जो है। तो अब पड़ी है स्टिक का, तो सेल्फी स्टिक का अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके दिखाऊंगा आपको कैसा है वो सेल्फी स्टिक। अभी जो वॉइस सुन रही हो वो बोया का ये माइक का है। जो पहले आप वॉइस सुन रहे थे वो बिना माइक वाला था। तो आप माइक और बिना माइक का आपको फर्क तो आपको पता चल ही रहा होगा अभी। तो अभी ये सेल्फी स्टिक का मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये 3-in-1 है, इसके अंदर कुछ है नहीं तो इसको फेंक देते हैं साइड पे। तो ये सेल्फी स्टिक जो व्लॉग वीडियो बनाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होता था, ये फ़ोन जो हाथ से पकड़ गए थे जहाँ तहाँ जाकर व्लॉग वीडियो बनाने के लिए जो मोबाइल जो हिलते रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि सेल्फी स्टिक एक तो ले लूँ तो अच्छा रहेगा बोल के। तो मैंने ये सेल्फी स्टिक भी ऑनलाइन मीशो से मंगवाया है। तो लास्ट में आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो आप ये सेल्फी स्टिक को ऐसे आप कर सकते हो, उसके बाद तो ऐसे खींचो तो सेल्फी स्टिक बन जाएगा। कि आप इसको ऐसे ऊपर करके और इसको ऐसे नीचे खींचना है। तो मैं आपको यहाँ पर मोबाइल लगा के दिखाऊंगा अभी। ये कवर को मैं निकाल देता हूँ, ये बहुत ही बड़ा होता है ये कवर होने से। तो इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, ऐसा लगाना है। तो आप कहीं भी जाओ ये ऐसे पकड़ के रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फी ऐसे ले सकते हो। और इसको आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको अगर आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं होने से आप इसको ये ट्रैपॉड भी बना सकते हो इसे, ये ऐसे निकाल कर। सो ऐसे निकाल कर ये यहाँ पे ऐसे स्टैंड कर दो, ये ट्रैपॉड हो गया आपका, ट्रैपॉड बन गया। यहाँ पे मोबाइल लगाओ, और अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप ऐसे करके रख के आप वीडियो बना सकते हो। फिर इसको आप ट्रैपॉड भी बना सकते हो। तो 3-in-1 है, और जब आपको सेल्फी स्टिक यूज़ करना है तो आप इसको ऐसे कर दो
और ये आप 360 डिग्री आप घुमा भी सकते हो इसको, बहुत ही मजबूत है। आपको ये 360 डिग्री आपको या आप ये घुमा भी सकते हो इस तरह। तो मोबाइल आप स्टैंड करके भी आप वीडियो बना सकते हो और रोटेट करके भी वीडियो बना सकते हो। कहीं भी जाओ आप इसको ले सकते हो, आप इसको कैरी कर सकते हो। ये आपके लिए ये बहुत ही हल्का है। इसका वेट भी शायद पता नहीं कितना होगा, पर ये बहुत ही हल्का है। और आप इसको ऐसे करके आप इसको पॉकेट में भी डाल सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप ब्लूटूथ वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्शन है। ये वाली जो ब्लूटूथ कनेक्शन है, ये आप ब्लूटूथ ऑन करो और इससे प्रेस करते रहो और आपके फ़ोन में ये कनेक्ट हो जाएगा ये। और जब भी आपको सेल्फी क्लिक करना हो तो इससे दबाओ, आपका सेल्फी क्लिक हो जाएगा। तो आप इसे दूर में रख कर भी आप इससे क्लिक कर सकते हो, सेल्फी क्लिक कर सकते हो इससे दबा कर। तो मैंने आपसे कहा था ये 3-in-1 है बोल के, तो 3-in-1 आपको मैं फिर से बता देता हूँ ये 3-in-1 कैसा है बोलने से। फर्स्ट तो ये है कि ये वायरलेस वाला ब्लूटूथ कनेक्शन है, और सेकेंड हो गया ये आप सेल्फी स्टिक भी आप इसको बना सकते हो। कहीं भी जाओ आप इसको ऐसे करके आप फोटो क्लिक कर सकते हो या तो वीडियो भी बना सकते हो इससे। कहीं भी जाओ ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए अच्छा है। और सेकेंड ये थर्ड ये है कि आप इसे ट्रैपॉड भी बना सकते हो। आप इसको खोल कर आप कहीं भी इसको स्टैंड कर दो इस तरह, और आप कहीं भी बैठ जाओ और वीडियो बनाते रहो, आपके लिए बड़ा ही आसान है। और आप लोगों के साथ में ये चीज़ जो अनबॉक्सिंग करके दिखाना चाहता था तो मैंने दिखा दिया। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप भी इससे ज़रूर लीजिएगा ऑनलाइन से, मीशो से, जो इसका प्राइस भी बहुत ही सस्ता है। इसका प्राइस है सिर्फ 265 है। तो आप इससे बाय कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस इतना ही था आज का वीडियो में।